हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इंडिया, आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे उम्मीद है। आज का जो वीडियो है वो है कोलकाता पर, और इस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ। और ये इस वीडियो का जो नेम है ना वो है वेंडे भारत एक्सप्रेस। ये कोई ट्रेन है, ये बहुत ही मतलब न्यू लेटेस्ट ट्रेन है। इस पे ये भाई साहब ने वीडियो बनाई है, तो मैंने भी सोचा इस वीडियो पर रिएक्शन करूँ। वीडियो करते हैं शुरू। आप सबने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है आप सबको इंडिया की अपडेट ट्रेन कैसी लगी है। ओके, स्टार्ट। इंडिया का सबसे ज्यादा मॉडर्न और एडवांस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ट्रेन 18 और वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी ही वंदे भारत एक्सप्रेस कोलकाता से रांची तक चलने वाली है। कोलकाता रांची शताब्दी रूट पर ही चलेगी ये ट्रेन। पहले रेलवे की तरफ से डिसाइड किया गया था ओंडल काली पहाड़ी पुरुलिया रूट पर चलाई जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस को, लेकिन बाद में ज्यादा मुनाफे वाले हावड़ा रांची शताब्दी रूट को सिलेक्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू रेलवे ऑफिशियल, वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, धनबाद, चंद्रपुर, बोकारो, मोरी होकर रांची जाएगी। इंडिया का पहला इंजन लेस ट्रेन इस रूट में ज्यादा मुनाफा कमाएगी, ऐसा ही मानना है इंडियन रेलवे का। अभी के समय में हावड़ा से रांची तक शताब्दी एक्सप्रेस चलती है जिसमें 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन इसी सेम रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी टाइम काफी कम हो जाएगी। लगभग 4 घंटे के अंदर ही ये दूरी तय कर लेगी इंडिया के सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। ईस्ट एंड वेस्ट रेलवे के साथ बातचीत हो चुकी है। सुबह के टाइम हावड़ा से रांची के लिए ट्रेन रवाना होगी और रात में फिर से रांची से हावड़ा तक रिटर्न आ जाएगी, ऐसा ही टाइम शेड्यूल तैयार किया गया है रेलवे की तरफ से। वंदे भारत एक्सप्रेस 200 किलोमीटर रफ्तार के साथ पटरी पर दौड़ सकती है, लेकिन रेलवे के रूल्स के अकॉर्डिंग 110 से लेकर 130 किलोमीटर के अंदर स्पीड लिमिट किया गया है। यूजुअली ट्रेन 18 और वंदे भारत एक्सप्रेस में ज्यादा स्टॉपेज नहीं होती है, सो हावड़ा से रांची तक जाने के दौरान कितने स्टेशन में हॉल्ट होगा ये बताना मुश्किल है, जो कि रेलवे की तरफ से भी अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। ट्रेन 18 और वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया का सबसे पहला सुपर लग्जरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन की हर एक कोच मॉडर्न है और कोच में मौजूद सारे इक्विपमेंट्स बहुत ही एडवांस है, इसलिए इस ट्रेन को अलग ही परिचिति मिला है इंडिया में। 15 फरवरी 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने खुद इस ट्रेन की उद्घाटन किया था। देश में 2 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जा रहा था, एक है जम्मू से कटरा तक और दूसरा है दिल्ली से वाराणसी तक। अब कोलकाता से रांची तक देश के सबसे ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाएगा। अभी के समय हावड़ा से रांची शताब्दी एक्सप्रेस में जाने के लिए 1300 रुपये लगता है टिकट प्राइस, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकट प्राइस 1500 रुपये लगेगा। ट्रेन 18 एक फुल एसी ट्रेन है, यहाँ के डोर्स ऑटोमेटिक है, सीट्स काफी कंफर्टेबल है, इवन आप सीट्स को 360 डिग्री मूव कर सकते हो अपने हिसाब से। हर सीट्स के पीछे एयरप्लेन की तरह एलईडी होगा, रीडिंग लाइट, लगेज स्टोर, बायो टॉयलेट, ये सब तो होगा ही। इन सब के अलावा भी वंदे भारत एक्सप्रेस में और भी कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो ट्रेवलर के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। तो आप कॉमेंट पे बताओ आप कितना एक्साइटेड हो कोलकाता रांची वंदे भारत एक्सप्रेस। आप सबको ये ट्रेन कैसी लगी है? उम्मीद है आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छा, इस ट्रेन में सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा, जैसे चार्जिंग के लिए अडाप्टर दिया गया है, चार्जिंग आप लगा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है इसमें सिक्योरिटी के लिए कैमराज हैं, एसी है, हीटर है, और जैसे चेयर को एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है इस ट्रेन में। और ये सुपर ट्रेन है इंडिया की, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। अभी मैं तो पाकिस्तान में हूँ, बैठ के सफ़र करने से तो रहा, लेकिन इंडिया वालों आप सबने मुझे अगर इस ट्रेन में जब भी ये चली आपने इसमें बैठ के जब सफ़र करना है, इंजॉय करना है, तो मुझे आप सबने कमेंट करके लाजमी बताना है कि भाई साहब ये ट्रेन बहुत ही कमाल की है, बहुत ही एंड किस्म की ट्रेन है, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।